ठीक है दोस्तों, की हाल चाल। मैं थोड़ा अपना जगदेव, थोड़ा स्वागत है फिर तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो तुम्हें जिदा भी पता है कि धरने लगे हुए हैं दिल्ली काफ़ी, तो किसानों को तंग किया हुआ, सरकार ने काफ़ी तंग किया हुआ किसानों वीर, तो पर उन्होंने ये नहीं पता लगता कि ये कैवें होंगी है खेती खाती, कैवें होंगी कि औखी होंगी है खेती। तो आप दिखाने अज किवें खेती होंगी है। हाँ देखो जी, रातां नूं जाग जाग के जी जानवर भजाने पैंदे ने ताकि फसल ना खराब होवे। किदा बहुत बहुत वधिया वीर, तुसीं दस्सो किवें जी, ठीक ठाक? आओ मैं छड्ड दित्ती ना पैड़ी। आ देख लो किसान किदा रात नूं जानवरां तों फसलां अपणियां बचाउंदे ने, इत्थे रह के सारा कुछ इत्थे खांदे ने, इत्थे पींदे ने। अकड़ नहीं हैगी किदा कानून पास करने ने। ये देख लो अद्धी अद्धी रात में इतने सारे जानवर आ जाते हैं, किदा राखी करते हैं, तो किदा इतने ही अपना चूल्हा है, इतने ही चौंका है, सारा कुछ इतने तैयार करते, इतने ही सौंदे ने, ठंड चीज ही सौंदे ने। मोदी वर्गे काफी रखा हुआ, मतलब कैसे मतलब फसल तैयार की जाती है ना, तो व्यापारियों को ये नहीं पता भी किसान कैसे। देख सकते हो तुसी आ नाल कोल जंगल है, तो इत्थे रहिंदे ने रात नूं भी 24 घंटे इत्थे रहिंदे ने, इत्थे इन्हां ने खाना पकाना सब कुछ। जद तक इह फसल वड्डी नहीं हुंदी, इह पुत्तां वांगू सांभ के रखदे ने फसल नूं, इह पुत्तां वांगू जी फसल नूं सांभ के रखदे ने। जिन्ना चिर इह वड्डी हो के पकदी नहीं, उन्ना चिर इन्हां ने इत्थे ही रहिणा, इन्हां दी पक्की ड्यूटी है इत्थे। तो लोग तो सोचते हैं बस कि बीजा तो उग गई तो खा ली बस। लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान पिकनिक मना गए हुए हैं, हूँ पता लग ही रहा ना कौन पिकनिक मना रहा, ठीक है? तुम देख ही सकते हो जी किन्ना औखा काम है, इतने रात में सोना एवं इतने सोना, तो किदा जी वधिया जी। फिर किवें इतने तुम किवें लग रहा है, काम औखा है सौखा है? फीलिंग तो बहुत वधिया आउण डई, पर काम औखा है थोड़ा जिहा। औखा है? हाँ जी। कहना आसान है ना कि किसान ते किसान बड़ा सौखा है पर करना बहुत औखा है। ए जी तुहाडे सामने ही है बाकी सारा कुछ, सामने ही है। देखो रात नूं जाग जाग के इन्हां नूं फसल नूं बचाना पैंदा है। लागे जंगल आ ते उस तों बाद आ लागे हुण कुल वज्जा आ, इत्थे कोई पता लगदा अज कल दे लोकां दी घर दे विच नहीं कोई एडी सेफ्टी हैगी, ते फिर जंगल दे लागे। हां जी फिर जंगल दे लागे खुले च पए होए ने सारे, ते मेहनत करके दिन रात मेहनत करके सोने दी चैन पाई है, कड़ा पाया वा, ते छापा छुपा भी आ। वेखो ये किसान एवं नहीं करते, ये जी हक दी खांदे ने, हक दी ये हराम दी नहीं खांदी हैगे। गड्डियां भी लईयां ने रात दे लै एक करके लईयां ने। देखो जी सारा, देखो हम इन्हों सार इतने रहना पैदा होंगे, इतना 24 घंटे रहना पैदा होंगे। हाँ तो रहना ही पड़ा भाई, नहीं रहेंगे तो फिर बता फसल पिछड़ी है। पर बहना भी पैंदा, सोना पैंदा, जानवर भजाने पैंदे ने। मोदी को तो हम मुक्ति से कूटेगा, मोदी को तो मुक्ति से कूटेगा, मुक्ति से नहीं। वो गल तो ठीक, बाकी तुम देख ही सकते हो जी किन्ना औखा काम है। ये इधर भी सारी यही झोपड़ियां पाईयां होईयां ने किसानां ने, जिन्हां नाल फसल बचांदे ने जी आपदी जानवरां तों। ते इह तां मोदी वर्गे तां काफ़ी ने जिहड़े आख छड्डदे ने कि फसल बहुत आसानी हुंदी है। मतलब कि सब कुछ आता है। और आप कैसे इनसे बचाव करते हो अपनी फसल का? हम ऐसा हर रात को जागते हैं। हाँ जी मैं अच्छा 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 अच्छी तरह तो मतलब झाड़ लगा रखे। हाँ जी घंटे बंद कर रखे। हाँ जी हाँ जी वो देखो ये सामने कनस्तर बनया हुआ है, वो कुछ जी जानवरों तो बचाने वास्ते इन्होंने ये पटास वगैरह होंगी है जी, ये जी पटास होंगी है जी, जिन्हां जानवर खड़के नाल डर के भज जाते ने। ये पाना पैंदा अपना मुंह करिए, इधर हो जा इधर हो जा।
मुंह बचा के पर आ जा तेरा पिछड़ जा इससे भी राखी की जाती है ओए परन कर सामने को रखनी चाहिए लग खाच का मारी है जब ऐसे भी राखी की मार ये रखे हुए ने जी जे नाल जानवर खड़के नाल डर जाते ने ते जानवर वगैरह आते नहीं गे बाकी फसलों जी पुत्तां वांगू पाली जाती है ते इहदा सरकार दा कहना ही है बस कि किसान बहुत सौखा है ते उत्थे पिकनिक मनांदा किसानां नूं शौक नहीं है पिकनिक मनाउण दा जे इहनां नूं इहनां दे हक की कमाई ना मिली तो फिर दब के मारो खिंच के मारो देखो जी ऐदा राखी हुंदी आ ऐदा खड़ाके करके आप अपनी फसल नूं बचाउंदे आ जानवर जो है ठीक है जानवरां तों 20 रुपए किलो आटा लेना चाहुंदे हो ते किसानां दा साथ दियो एक मोदी दा टोटल बायकॉट करो पापा मोदी जी दी पूजा करो बस जी तो फिर आपको 70 रुपए आटा मिलेगा ठीक है ओके जे 20 रुपए किलो आटा लेना है फिर ते जी किसानां दी सपोर्ट च रहो जे तुसीं 70 रुपए आटा खाना है सारा 70 रुपए ही लेना है ते फिर तुसीं मोदी दी जय जयकार करो पर किसाना वालों कोई आटा नहीं आएगा फिर मोदी अपने घर बीजेगा जी सारा कुछ और दूध भी कुत्तियों का चोकर देगा ठीक है हाँ जी ओके, आप गांव मुत्र ही डालो हाँ जी हाँ जी बस यही हो सकता है जी हुण होर तां कुछ है नहीं गा बाकी तुसी देख सकते हो ये जगाड़ टंगिया होया पीपा उत्थे टंगिया होया आ रस्सी बन्नी हुई है जी इत्थों खड़कांदे है जी जो जानवर वगैरह आ जांदे ने ते बाकी लागे सारा जंगल है मोदी के लिए कुछ कहना चाहते हो सारा देश तो बेच दिया और क्या रह गया सही है जी बिल्कुल सही है सारा देश तो यार बेच दिया मोदी ने ट्रेने बेच दी एयर अपने एयर इंडिया बेच दी और क्या रह गया क्या है धोतियां बेच दे अब और क्या रह गया अब ये किसानों को बेचने की कोशिश कर रहा है बाकी तुसी सोच दे हो कि किसान वैसे इन्ने भी माड़े नहीं होंगे किसान पर कई आंदे ने कि किसान बहुत माड़े होंगे ने बंदे अरे मोदी चाहे तो आर्मी को भी बेच डाले ठीक है अगर किसान बिक गया तो आर्मी बिक गई एक किसानों के पुत ने जेडे आर्मी चाहे हुए ने सारे ते बाकी आपां फसलां नूं देखो जी पुत्तां वांगू पाली हुई है ते हजे वड्डी होगी फिर इन्हां नूं वड्डांगे उन्ना चिर इन्हां दी पक्की ड्यूटी इत्थे रहेगी रखे होएगी ते बाकी आपां दिखांगे होर तुहानूं बाद च हाँ जी दोस्तों ते तुसीं अज जिहड़ा मेरा ब्लॉग देखिया ये सारा जी किसानी उत्ते ते जिद्दां कि तुहानूं मैं वीडियो दे विच दिखाया कि रातां नूं जाग जाग के आपां फसल बचाने आ जी जानवरां तों जंगल दे नाल है जी बिल्कुल अपना खेत तो रातों में जाग जाग के जी आप फसल में बचानी पैंदी है क्योंकि जानवर काफ़ी सारे आते हैं तो इस करके आप उत्थे पटास वगैरह भी तुम दिखाई जिन्ह कि खड़का होंदा है तो जानवर भज जाते हैं तो बाकी उत्थे आप पीपे वगैरह भी टंगे हुए हैं तो कई वीर कहना है कि खेती बहुत आसान होंगी है खेती आसान काम नहीं होंदा जी बाकी बहुत मेहनत का काम होंदा खेती करना तो अपना तुम आप दिखाया ही जिदा कि 24 घंटे अपना उत्थे टाइम देना पैंदा है जी 24 घंटे उत्थे रहना पैंदा अपना पक्का 6 महीने तक जब तक फसल अपनी वड्डी नहीं हुंदी हैगी पकदी नहीं हैगी उस तक अपन उत्थे रहना पैंदा है ते बाकी मैं यही कहना चाहांगा जी मोदी साहब नूं कि जिहड़े अपने वीर कई उत्थे बार्डरां ते बैठे हुए ने ठंड दे विच ते लोकां नूं तां कमरियां दे विच हीटर ला के नहीं नींद आउंदी हैगी मेरे वीर ओह जिहड़े किसान वीर ने जिहड़े बार्डरां ते बैठे हुए ने ठंड दे विच इन्नी ते मैं तो यही कहना चाहना मोदी जी नूं कि प्लीज़ ये जिहड़ा बिल है इहनूं वापस लेता जाए तो किसानां वीरां दे हक च होवे सारा फैसला तो मेरे वीर जिहड़े उत्थे बार्डर ते बैठे हुए ने अपने घर आण ते काफ़ी वीर जिहड़े उत्थे बार्डर ते शहीद भी हो चुके ने देखो जी
आप शहीद का ही दर्जा देना चाहते हैं उन्होंने, क्योंकि किसान भी एक तरह का योद्धा होंगे है जी, जिनाल साढ़े देश का ढिड भरता है। अगर किसान नहीं होएगा तो अपने देश का ढिड नहीं भरेगा कभी भी। तो बाकी आप मिलने तुम जी अगली वीडियो से। बाकी इस वीडियो ज़्यादा तो शेयर कर जी, लाइक कर सबसक्राइब मेरा चैनल जरूर कर जी। तो बाकी तुम आप मिलते हैं अगली वीडियो। ओके जी, बाय बाय।